कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अगर भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था नहीं दी होती और बहराइच लोकसभा सीट अगर सुरक्षित नहीं होती आरक्षण के तहत, तो ना मुझे कोई टिकट देता और ना मैं सांसद बनकर के आपके बीच में नहीं आ पाता। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान में आरक्षण के तहत अनुसूचित जात और जनजातियों के लिए जो सीटें आरक्षित की थी, वो इसलिए सीटें आरक्षित की थी कि उस सीट पर, उस सुरक्षित सीट पर चाहे जिस दल से, चाहे जिस पार्टी से व्यक्ति अनुसूचित जात जनजाति का जीत कर आएगा, तो लोकसभा में पहुंचकर भारत के संविधान की रक्षा करेगा, भारत के संविधान की सुरक्षा करेगा, आरक्षण को बचाने का काम करेगा और आरक्षण संविधान को पूरी तरीके से लागू कराने का काम करेगा। भाइयों बहनों, आज ये जिम्मेदारी भी हमारी है। आज हमारी जिम्मेदारी है कि भारत के संविधान के साथ, आरक्षण के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ ना हो। आप लोग टीवी रेडियो पार के माध्यम से पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलता होगा कि कभी कहा जा रहा है कि हम भारत के संविधान को बदलने के लिए आए हैं, कभी कहा जा रहा है कि हम भारत के संविधान की समीक्षा करेंगे, कभी कहा जा रहा है कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे, और कभी कहा जा रहा है कि भारत के संविधान आरक्षण को हम ऐसा बना देंगे कि न रहना रहना बराबर होगा। ये क्या है? ये भारत के संविधान के साथ इस तरीके से शब्दों का प्रयोग, ये पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों के साथ उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इस देश के बहुजन समाज का अधिकार छिन जाएगा तो हमारे देश के बहुजन समाज का अधिकार खत्म हो जाएगा, और हमारे देश के बहुजन समाज का अधिकार तभी सुरक्षित रहेगा जब भारत का संविधान सुरक्षित रहेगा और भारत का आरक्षण सुरक्षित रहेगा।